नमस्ते सभी को। मैं नीलम अग्रवाल अपने चैनल वैदिक वासियों से अपने सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे अक्टूबर मंथ में जन्मे लोगों के बारे में। मैं हूँ एक एस्ट्रोलॉजर और एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, एक वास्तु एक्सपर्ट भी। आज मैं आपको अक्टूबर मंथ में जिन लोगों का बर्थडे आता है या जिनका जन्म है या जो बच्चे अभी पैदा हुए हैं नए नए, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। अक्टूबर मंथ साल का 10वां महीना होता है ना? और अगर हम नंबर के हिसाब से देखें तो 10वां महीना जो 10 नंबर है उसको रूल करता है सन भी, क्योंकि एक नंबर आ गया। उसको रूल करता है शनि भी, क्योंकि अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो 10वां घर एस्ट्रोलॉजी में शनि का भी होता है ना? 10वां और 11वां घर शनि का घर होता है। तो इसमें सन के भी इफेक्ट्स मिलेंगे आपको और शनि के भी इफेक्ट्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, आज हम इस बारे में बात करेंगे और इनकी रिमेडी के बारे में बात करेंगे। अक्टूबर मंथ के लोग, जिसमें सबसे पहले 1 और 0 जिसे कहते हैं 10 नंबर है ना अक्टूबर। सन का रूल होता है, इसमें डबल एनर्जी होती है सन की, क्योंकि 0 इसको रूल कर रहा है आगे से, है ना? एक नंबर देन आगे कैरी फॉरवर्ड 0 आ रहा है, तो ये अब मोर पावरफुल हो जाता है ये नंबर। इस नंबर के लोग बहुत ही ज्यादा आप कहेंगे कि टेक्निकल होते हैं, दिमाग से बहुत शार्प होते हैं, क्लेवर होते हैं, बहुत ही ज्यादा ना चीजों को ग्रेस्प करने की उनकी ना एबिलिटी होती है। मतलब अगर वो किसी चीज को पाना चाहते हैं तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, विच इज अ डीमेरिट फॉर देम। वन मोर थिंग कि अगर ये लोग जो ठान ले उसे पाके ही रहते हैं। नंबर थ्री, ये लोग फ्रेंडली के होने के साथ साथ फैमिली ओरिएंटेड भी होते हैं बट एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं। इनकी विल पावर ना बड़ी स्ट्रांग होती है। ये अगर किसी भी कंपटीशन को सोच ले पास करने की तो 100% कर लेते हैं, है ना? इनको ना अपने काम को पूरा करने का डिटर्मिनेशन होता है। ये बहुत अच्छे चैलेंजर होते हैं। अगर आप इन्हें चैलेंज करेंगे तो वो जीत के दिखाएंगे आपको। ये बहुत क्रिएटिव होते हैं, यूनिक होते हैं। इन्हें इनमें ना कुछ कर गुजरने की एक स्पार्क होता है। अच्छा, अपने वर्ड से ब्लंट होते हैं, कभी कभी अपने नियर एंड डियर वंस को ये वर्ड से ना हर्ट भी कर देते हैं और बाद में रियलाइज करते हैं। इनके अंदर ना ईगो बहुत होता है और अपनी ईगो की वजह से ये अपनी बात लोगों के सामने रखते नहीं है, चुप रहते हैं, लोगों को सुनते हैं। लेकिन अगर इन्हें किसी की बात चुप जाए ना तो उसे दिल में रखते हैं ये लोग, है ना? नंबर टू, ये लोगों की ग्रोथ से जलते हैं। ये एक बहुत बड़ी इनकी डीमेरिट है, जो अगर ये इनके नियर एंड डियर वन कोई बहुत ज्यादा ग्रो करेगा तो ये उनसे जलते हैं अंदर ही अंदर, विच इज नॉट गुड फॉर देम। ये ना हर डिसीजन बहुत जल्दी लेते हैं। ये समझते हैं कि इनके आसपास के लोग जो इनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं वो इनके अपने हैं, और यही इनका माइनस पॉइंट है। इन्हें इस चीज की पता नहीं होती कि जो बहुत हंस रहा है या जो इनके साथ बहुत ज्यादा इनके फ्रेंडली हो रहा है वो इसका इनका अच्छा दोस्त नहीं है। इनमें फोकस की इतनी कमी होती है अक्टूबर बॉर्न लोगों में कि ये ना बहुत सारी चीज टुगेदर करना चाहते हैं। यही रीजन की वजह से ये सम टाइम गलत डिसीजन ले लेते हैं और उसमें फेल हो जाते हैं और इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन सामने वाले को बोलने में ये कभी अपनी गलती नहीं मानते। ये इनका वीक पॉइंट होता है। जैसे मैंने बताया, ये बहुत शार्प होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, जिसे कहते हैं ब्यूटी विद ब्रेन, ऐसे लोग होते हैं। कॉन्फिडेंस पावर बहुत हाई होती है, रोमांटिक होते हैं, है ना? किसी के भी सामने बहुत इजीली खुलते नहीं है, बहुत सिक्रेटिव नेचर के होते हैं, ऊपर कुछ अंदर कुछ। ये पॉलिटिक्स में अच्छा खेलते हैं, ये बिजनेस अच्छा कर सकते हैं, ये किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। इनमें सपोर्टिव नेचर होती है, ग्रोथ के लिए अच्छा है, यू नो मेडिकल लाइन में भी जा सकते हैं, मेडिसिन की शॉप भी खोल सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं। अच्छा, ये अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं, बिजनेस माइंडेड इनका दिमाग होता है, ये अपने फाइनेंशियल्स को ना बहुत अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं, ये इनकी खूबी होती है। ये लोगों से मिलना चाहते हैं लेकिन ये सबके साथ घुलते मिलते नहीं, है ना? अच्छा, अब मैं आपको देखो इनके ना जो करियर इश्यूज होते हैं, सबसे ज्यादा इनको ना अपने करियर इश्यूज से देखने को मिलते हैं। ये बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं जैसे मैंने बताया, और कभी कभी ना इस करियर की वजह से ना ये इनके रिश्तों में, ऑफिस में, है ना, इन्हें ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं जो इन्हें गलत राह दिखाते हैं, और ये बहुत जल्दी लोगों की बातों में भी आ जाते हैं, विच इज द डीमेरिट फॉर देम। मैंने पहले भी बताया फोकस का इनका सबसे बड़ा इशू होता है। ये अगर अपनी ईगो को कंट्रोल में रखें, ये लोगों से अच्छे से बात करें, है ना, तो ये इनका एक अच्छा स्टेप अप होगा आगे लाइफ में बढ़ने के लिए।
अब मैं इनके बताती हूँ, देखो ऐसा भी हो सकता है आपके ऊपर बॉर्न के लोगों को, अगर मैं देखूँ हेल्थ के हिसाब से तो शायद बचपन में इन्हें हेड इंजरी हो सकती है, जिसका आप ध्यान रखें। जो बड़े लोग हैं उन्हें माइग्रेन या आई इश्यू या आई ग्लासेस का लगने का इसमें बताया गया है ना। बॉन के इशू भी इस अक्टूबर बॉन लोगों में देखे गए हैं, मसल इशू भी देखे गए हैं। बिल्ड इनकी जो हेल्थ होती है ना काफी अच्छी होती है, स्ट्रांग होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस मैंने बताया, इनकी विल पावर काफी अच्छी होती है। देखो आप चेक करो कि आपके लकी डेज क्या हैं, क्या हर महीने में आप कभी बैठो और ये सोचो कि विच आर योर लकी डेज। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपके लकी जो डेज है वो है 2, 3, 5 और 9। इस नंबर के लोगों के साथ इन इन डेट्स में अगर आप कोई भी अपना अच्छा काम करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। इसी तरह से अगर आप आपका लकी फ्लावर है मैरी गोल्ड, जिसे कहते हैं गेंदा, अगर आप गेंदे से भगवान जी को ऑफर करेंगे या गेंदे को लेके किसी अच्छे काम के लिए आप जाएंगे जिस दिन आपका बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपको सक्सेस मिलेगी। आपका सबसे लकी डेज है संडे, मंडे एंड थर्सडे। आपके लकी कलर है लाइट कलर्स, येलो एंड गोल्डन। प्लीज अवॉइड ब्लैक कलर, दिस गिव यू नेगेटिव एनर्जी, दिस गिव यू लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स। तो आपको ब्लैक कलर को हर तरीके से अवॉइड करना है। आपका लकी स्टोन है ओपल, है ना। और आपका जैसे मैंने अभी बताया कि आप कभी कभी कुछ ऐसे चीजों में फंस जाते हैं जो आपको नहीं बोलने चाहिए। तो दीज आर सम सिंपल टिप्स फॉर अक्टूबर बॉर्न पीपल। सो आई गेस कि मेरी ये वीडियो आप सबको अच्छी लगे, और इसकी सबसे बड़ी रेमेडी भी मैं बताना चाहूंगी कि अक्टूबर बॉर्न में सबसे सबसे बड़ी रिमेडी न्यूमरोलॉजिकली एंड एस्ट्रोलॉजिकली क्या होनी चाहिए। जो बड़े लोग होते हैं, जो ओल्ड एज ऑर्फनेज में रहते हैं, जिन्हें उनके ना बच्चे छोड़ देते हैं, अगर आप वहां जाके संडे के दिन है उनको खाना खिलाएंगे, अपने हाथ से उन्हें सर्व करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी रिमेडी है अक्टूबर बॉर्न पीपल के लिए। अगर आप एट द सेम टाइम संडे के दिन बंदरों को गुड़ खिलाएंगे, ओनली गुड़, तो ये आपके हेल्थ इश्यूज को काफी हद तक कंट्रोल करेगा। अगर आप मंडे के दिन शिव जी को कच्चा दूध चढ़ाएंगे तो ये आपको सही थॉट देगा और आपके रुके हुए कामों को आगे बढ़ाएगा और रिश्तों को भी प्यारा करेगा। सो थैंक यू सो मच, दिस इज नीलम अग्रवाल। आई गेस कि आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसे शेयर भी करें। अगर आपको कोई कंसल्टेंसी लेनी है तो आप मेरे पीछे दिए हुए नंबर को कनेक्ट कर सकते हैं, मुझसे कंसल्टेंसी बुक भी करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।